ये हैं पिक्चर पैटर्न के ग्रुपिंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में आपने दी गई डायग्राम्स में जो पिक्चर्स दी होती हैं या जो फिगर्स दी गई हैं उनको ग्रुप में अरेंज करना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू थ्री क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। हर पिक्चर एक दफ़ा आएगी, जो भी फिगर दी गई है वो एक दफ़ा इस्तेमाल होगी। तो आप देखेंगे इसमें क्या सिमिलरिटी है जिनकी बुनियाद पर हम इनको ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। देखें इसमें जो फिगर्स दी गई हैं उनमें क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। तो अगर हम टू को देखें, टू में, फाइव में और एट में, ये तीनों के तीनों थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स हैं, यानी कि थ्री डायमेंशनल फिगर हैं। ये बाउल शेप है, ये सिलेंडर है, ये क्यूबॉइड है या रेक्टेंगुलर सॉलिड है, जिसमें थ्री डायमेंशन हैं। इसलिए एक ग्रुप तो हम बना सकते हैं कि टू फाइव एट। देखें कि क्या ये ऑप्शन में मौजूद है। ए ऑप्शन में टू फाइव एट मौजूद है, फिर ऑप्शन सी में भी टू फाइव एट है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि या तो हमारे इस लॉजिक के लिहाज से कि ये थ्री डायमेंशन डायग्राम फिगर्स हैं तो ए और सी आंसर हो सकते हैं। बाकी उनको भी देखते हैं, हो सकता है कि ये हमारी लॉजिक गलत हो और किसी और सिमिलैरिटी की बुनियाद पर ग्रुप बनाया गया हो, लेकिन फिलहाल हम इसी की बेस पे चेक करते हैं। फिर थ्री, सिक्स और नाइन, ये तीनों ट्राइंगल्स हैं, तो एक ग्रुप हमारा थ्री सिक्स नाइन भी इस बेस पे बन सकता है। तो अगर हम चॉइसेस को देखें तो थ्री सिक्स नाइन, यस, ए ऑप्शन के अंदर ये मौजूद है, यानी कि दो ग्रुप हमारे मैच कर रहे हैं। जबकि सी ऑप्शन में ये थ्री सिक्स नाइन का ऑप्शन नहीं मौजूद, इसलिए ये अब इस लॉजिक से अलग हो गया। फिर अगर हम वन, फोर और सेवन को देखें तो ये तीनों के तीनों फिगर्स फोर साइडेड हैं। इसकी भी फोर साइड्स हैं, इसकी भी फोर साइड्स हैं और इसकी भी फोर साइड्स हैं, इसलिए एक ग्रुप इनका बन सकता है, यानी कि वन, फोर और सेवन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखें इस क्वेश्चन में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने ग्रुप में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज। तो अगर हम इसमें एक चीज़ को देखें तो थ्री, सिक्स और नाइन, ये शेडेड, यानी कि इसमें शेडेड पोर्शन मौजूद है, तो एक ग्रुप तो ये भी हो सकता है, थ्री, सिक्स और नाइन। तो ऑप्शन में देखें, ए ऑप्शन में थ्री सिक्स नाइन, ये बी ऑप्शन में मौजूद है और सी ऑप्शन में, बाकी किसी के अंदर ये थ्री सिक्स नाइन नहीं है। तो पॉसिबल है कि सी या ए, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर हम देखते हैं कोई और सिमिलैरिटी क्या है, कि इसमें वन फाइव सेवन, वन फाइव सेवन ए ए में मौजूद है। तो वन फाइव सेवन को अगर हम देखें तो ये है, इसमें रेक्टेंगल है, उसके अंदर रेक्टेंगल है। फिर ये हमारे पास ट्रेपेज, ये हमारे पास है, ये है रोम्बस, इसमें दूसरा रोम्बस मौजूद है, यानी कि स्केल जो कि एक साइड से थोड़ा सा बेंट किया हुआ है। फिर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल मौजूद है, तो इस लिहाज से एक ग्रुप वन फाइव सेवन का भी बन सकता है, कि सेम शेप है, बड़ी और छोटी और एक दूसरे के अंदर मौजूद है, यानी कि छोटी अंदर है और बड़ी बाहर है। इसमें भी यही चीज़ है, वन में भी, सेवन में भी और फाइव में भी। तो वन फाइव सेवन ए में मौजूद है। बाकी रह गया टू फोर सिक्स, उनमें भी सिमिलरिटी है कि उन तीनों के अंदर सर्कल पाया जाता है, कि इसमें भी एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, तो इस लिहाज से ये भी एक ग्रुप बन सकता है। तो अगर हम इन बेसिस पर देखें तो ऑप्शन ए ऐसा है जो मैच करता है हमारी लॉजिक के साथ, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें ये देखें कि ग्रुप कैसे बनाया जा सकता है। ये सर्कुलर पोर्शन है, ये सर्कुलर पोर्शन रखने वाली फिगर है और ये भी सर्कुलर पोर्शन, यानी कि इसमें कर्व पार्ट मौजूद है इन तीनों में। तो
एक ग्रुप बन सकता है 1, 3 और 5 का, जो कि ए में दिया गया है और सी में दिया गया है। फिर देखें 2, 6 और 8, 2, 6 और 8, 2, 6 और 8, इन तीनों में ट्राइंगल मौजूद है। 2, 6 और 8, 2, 6, 8, ये सी ऑप्शन में है, ए में नहीं है। तो इस लिहाज से हमारा पॉसिबल आंसर सी हो सकता है। थर्ड को देखें, 4, 7, 9, 4, 7 और 9, ये फोर साइडेड फिगर्स हैं तीनों की तीनों, इसलिए ये भी ग्रुप सही है, 4, 7 और 9। इस लिहाज से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।